दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक इंक्यूबेटर टिप से संबंधित नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कि इंक्यूबेटर बनाना चाहते हैं, यानी कि अंडों से बच्चा निकालने वाली मशीन बनाना चाहते हैं, बट उनको मालूम नहीं होता है कि एक इंक्यूबेटर बनाने में कौन कौन सा सामान लगता है। इससे पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने आपको इंक्यूबेटर से संबंधित कौन कौन से सामान उसमें लगते हैं, सभी एक्सेसरीज की मैंने वहाँ पर आपको वीडियो बनाई है कि कौन कौन से सामान लगते हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, काफ़ी समय पहले बनाई थी, ठीक है। आज यहाँ पर प्रैक्टिकली, क्योंकि वहाँ पर हमने सिर्फ आपको बताया था कि कौन कौन से सामान लगते हैं, और यहाँ पर आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कौन कौन से सामान यहाँ पर इसमें लगते हैं। तो अगर आपको एक कंप्लीट और अच्छा इंक्यूबेटर बनाना है तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम सभी सामान जो कि हमने यहाँ पर इसमें रखा हुआ है, हर एक कंप्लीट जानकारी आपको उसके बारे में दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और हाँ, एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें हमने सभी कुछ जो इंक्यूबेटर संबंधित ज़रूरी सामान होता है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर इसमें रखा हुआ है, वो पूरा कंप्लीट सेटिंग के साथ, क्योंकि ये सारा सामान एक लोगों ने मुझे ऑर्डर किया था तो वो मैं यहाँ पर उनको कंप्लीट करके ये भेजने वाला हूँ, ठीक है। सभी कुछ बताएंगे हम आपको कितना प्राइस इसका पड़ेगा, इस एक अगर आप इस तरह का एक कम्प्लीट इंक्यूबेटर बनाते हो, ठीक है। तो हम इसको ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, एक एक सामान इसमें से निकालते जाते हैं और आपको समझाते जाते हैं। तो बट बेसिक चीज़ें हम आपको बता दें कि सबसे पहले इंक्यूबेटर किसको कहते हैं, ठीक है। तो इंक्यूबेटर एक अंडों से बच्चा निकालने वाली मशीन को कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर अंडा रखा जाता है और अंडा 21 दिन तक उसमें, मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर जो इसका एक राइट टेम्परेचर होता है, ठीक है, उतने टेम्परेचर पर बराबर वो अंडा उसमें रखा रहता है, अंडा टर्न होता है और उसमें 21 दिन के बाद में बच्चा निकलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसमें सबसे ज़रूरी होता है वो होता है सही टेम्परेचर और सही नमी का होना। मतलब अगर आप अंडों से बच्चा निकालना चाहते हो, उसमें एक मशीन बना रहे हो, तो उस मशीन के अंदर यानी कि उस इंक्यूबेटर के अंदर एक सही टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, और उसमें सही नमी होनी चाहिए। दो चीज़ें सिर्फ मायने रखती हैं, एक सही टेम्परेचर और सही नमी। जब अंडे को सही टेम्परेचर और सही नमी मिलेगी तभी अंडे से बच्चा निकलेगा और अंडे में बच्चा बनेगा, बनने के बाद सही से उसमें ग्रोथ होगी और टाइम से बच्चा निकलेगा, ठीक है। तो ये बहुत मायने रखती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालना शुरू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक क्लॉक है, ठीक है, ये HTC 1 है, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। ये आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दो चीज़ें दोनों बताती हैं कि अगर इसको आप मशीन के अंदर रख दोगे तो मशीन के अंदर कितना टेम्परेचर है वो बताएगा और ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, वो आपको बताएगा कि अंदर नमी कितनी बनी हुई है इस समय, ठीक है। करंट समय की ये टेम्परेचर और करंट समय की ये नमी बताएगा। इसके अलावा इसमें बटन्स हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम करके भी देख सकते हो। तो ये सिर्फ वहाँ पर नमी और टेम्परेचर देखने के लिए इसको रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में है यहाँ पर टाइमर, ठीक है, इसके बारे में हम ज़रा बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कंट्रोलर को, ठीक है, ये कंट्रोलर है। दोस्तों ये कंट्रोलर है HTC 3028, ठीक है, ये HTC कंट्रोलर है 3028। इसमें नमी और टेम्परेचर दोनों ही बताता है, दोनों को ही कंट्रोल करता है, ये कंट्रोलर होता है, ठीक है, यही मेन काम करता है हमारे इंक्यूबेटर में। बहुत सारे लोग कंट्रोलर नहीं जानते हैं, ठीक है, तो ये कंट्रोलर होता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और ह्यूमिडिटी यानी नमी को भी कंट्रोल करता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने का मतलब है अगर हम इसके अंदर जितना टेम्परेचर सेट कर देंगे कि इतने से इतना तक रहना चाहिए, यानी कि 20 से 30 रहना चाहिए, 30 से 35 रहना चाहिए, 35 से 40, जितना हम सेट कर देंगे ये उतना इसके अंदर रखेगा। तो ये कंट्रोलर
टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसके लिए हम यहाँ पर इसमें जो हीटिंग होती है इसका टेम्परेचर होता है कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर हम बल्ब का यूज़ करते हैं या हीटर का भी यूज़ कर सकते हो, हीटर वायर का यूज़ कर सकते हो। तो हीट बनाने के लिए यानी कि गर्मी बनाने के लिए आप किसी भी हीट करने वाली चीज़, इसमें बल्ब हो गया, कांच का बल्ब हो गया, ठीक है, हीटर वायर हो गया, एलिमेंट हो गया, तो इस तरह का कोई भी उपकरण आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक वायर, एक होल्डर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक होल्डर दिया हुआ है, इसमें आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 होल्डर तक, यानी कि जितने अपनी ज़रूरत समझो, आप जितना बड़ा बॉक्स बना रहे हो, मान लीजिए आप 100 अंडों का बना रहे हो, 200 अंडों का बना रहे हो, 500 अंडों का बना रहे हो, जितना बड़ा आप बॉक्स बना रहे हो उस हिसाब से आपको उसके अंदर बल्ब लगाने होंगे। तो इसी में आप तो क्या करोगे, इसी से एक दूसरा होल्डर, उसके बाद तीसरा होल्डर, उसके बाद चौथा होल्डर इससे जोड़ते चले जाइए, तो सभी कनेक्ट हो जाएंगे, तो इससे आपकी हीट बनेगी। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर और आपको ये देखिए निकला हुआ है वायर, ये इसमें लगेगा आपका जो नमी बनाने के लिए फॉगर लगता है, यानी कि पहले तो हीटिंग के लिए आपका बल्ब हो गया, दूसरी नमी, नमी बनाने के लिए यूज़ करेंगे हम फॉगर का। तो ये जैसे कि फॉगर होता है वैसे नमी, अगर थोड़े अंडे आप यूज़ कर रहे हो तो आप ढेर सारा पानी यानी कि किसी बड़े बर्तन में आप पानी रख दीजिए, तो जितनी नमी ज़रूरत होगी उतनी अपने आप बनती रहेगी। अगर हम ज़्यादा बड़ा इंक्यूबेटर बना रहे हैं, लगभग 200, 300, 400 या 500 अंडों का, तब वहाँ पर हमें नमी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और थोड़े पानी से नमी नहीं बन पाती है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इस फॉगर का। ठीक है, फॉगर होता है ये, मतलब पानी को थोड़ा सा हीट करता है यानी भाप बनाता है, इसके अंदर हीटर लगा हुआ होता है, ये पानी को हीट करता है। रखने के लिए ये यहाँ पर सेंसर इसमें लगा हुआ होता है, तो लगभग इसकी थोड़ी ऊंचाई तक पानी में रखा जाता है, इतने मतलब इतने पानी में रखो कि इसके ऊपर एक सेंटीमीटर एक इंच पानी ऊपर तक रहे, यानी कि एक इंच पानी में इसको डुबो कर रखा जाता है। और यहाँ ये एडाप्टर होता है जो कि इसमें लगा दिया जाता है और इसको लाइट से कनेक्ट कर दिया जाता है, इसको लाइट से कनेक्ट कर देंगे और इस फॉगर को पानी में रख देंगे। ठीक है, तो ये अपने आप नमी बनाता रहेगा, लेकिन इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे हम इसमें। ठीक है, ये इसमें जो ह्यूमिडिटी कंट्रोलर होता है इसके अंदर, ये ह्यूमिडिटी वाला ये है, तो इसको हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, या फिर इसको खोल करके हम किसी बोर्ड में लगा लेंगे, एक बोर्ड लगा लेंगे, उस बोर्ड में भी इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसको हम सिंपल ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, तो ये जितनी भी हमको नमी की ज़रूरत होगी, जितनी हम इसमें सेट कर रखेंगे, जितनी हम इसमें सेट कर दिया, जैसे हमने इसमें यहाँ पर नमी को सेट कर दिया 50 से 80, तो 50 से 80 के बीच में रखी रहेगी, क्योंकि जब हम नमी को सेट करेंगे एकदम से नमी बनेगी। लेकिन जो इसके अंदर सेंसर है, ये वाला सेंसर है, ये रीड करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हो सकता है नमी ज़्यादा बढ़ जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। लेकिन जो है सब नमी इसके अंदर कंट्रोल करेगी क्या, जब ये नमी कम होगी, 50 से कम होगी, तो ये ऑन कर देगा इसको। ठीक है, फॉगर को ऑन कर देगा, और जैसे ही 80 पहुंच जाएगी तो ये फॉगर को ऑफ कर देगा। इसी तरह से यहाँ पर टेम्परेचर भी होता है, जैसे ही यहाँ पर हमने इसमें टेम्परेचर सेट करते हैं 37 पॉइंट इसके अंदर होना चाहिए, 37.7, ठीक है, इनक्यूबेटर बॉक्स में 37.7 टेम्परेचर होना चाहिए, तो हमने इसके अंदर सेट कर दिया 37.4 पर ऑन कर दिया, 37.4 पर ऑन कर दिया, यानी 37.4 पर हमने ऑन कर दिया और 37.7 पर हमने बंद कर दिया, इतना समय सेटिंग यहाँ पर लगा दी, तो 37.4 जैसे ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइट के बल्ब ऑन हो जाएंगे। जैसे ही टेम्परेचर उसके अंदर 37.7 यानी कि 37.7 पर पहुँचेगा, ये लाइट को बंद कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों इस तरह से ये कंट्रोलर जो है और ह्यूमिडिटी है काम, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो ये तो हो गई इधर की बात कि हम इसके अंदर ह्यूमिडिटी वगैरह, नमी वगैरह और टेम्परेचर कैसे हम इसमें बना सकते हैं। इसके बाद में इसके अंदर जैसे हीटिंग है, ठीक है, हीट है, अंदर की गर्मी है, जहाँ पर बल्ब लगा है वहीं पर उसके आसपास रहेगी, ज़्यादा तुरंत वहीं फैल पाएगी। इसके लिए हम उसके अंदर लगाते हैं फ़ैन, ठीक है, ये डीसी फ़ैन है, एसी फ़ैन है, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ये डीसी फ़ैन है, 12 वोल्ट अडाप्टर से चलेंगे, इस तरह का अडाप्टर आएगा। ठीक है, और वो भी रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अडाप्टर से ये चलेंगे, तो अडाप्टर
आपको एक ले लेना है और एडाप्टर लेने के बाद में इनको उनसे कनेक्ट कर देना है, ये 24 आवर्स 24 घंटा बराबर चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो क्या करते हैं, जो अंदर की हीटिंग है यानी कि गर्मी है और उसके अंदर की जो नमी है वो पूरे आपके इनक्यूबेटर में फैलाते रहेंगे, क्योंकि एक तरफ से ये खींचेंगे और दूसरी तरफ ये हवा को फेंकेंगे, इससे नमी जो अंदर की टेम्परेचर है, अंदर की हवा है, चारों तरफ घूमती रहेगी और सभी जगह बराबर टेम्परेचर और सभी जगह बराबर नमी भी पहुँचती रहेगी। तो ये फैन जो है वो आपके काम करेंगे। और बाकी इनक्यूबेटर से संबंधित आपके बहुत सारे हमने वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उन सभी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उन वीडियो को देख लीजिएगा, आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, हर एक चीज़ के बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है। यदि कोई भी सवाल हो तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, कुछ बाकी हैं वो भी हम जल्द ही बना देंगे। इसके बाद में बात आती है यहाँ पर, जैसे कि अंडे जो है, अंडों को अगर हम सिंपल ऐसे ही रख देंगे तो वो अंडे ख़राब हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूरत होती है अंडों को टर्न कराना, मतलब घूमना, थोड़ा बहुत मूवमेंट अंडे में होनी चाहिए, अंडा इधर उधर थोड़ा थोड़ा घूमना चाहिए, यानी कि 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे में एक बार अंडा एक तरफ से दूसरी तरफ होना चाहिए, जिससे उसके अंदर बच्चा होता है वो चिपकेगा नहीं, ठीक है, चिपकेगा नहीं। इसके लिए हमें अंडे घुमाने की आवश्यकता होती है, तो अंडे आप हाथ से भी घुमा सकते हो, सुबह के टाइम एक तरफ कर दिया और दोपहर के टाइम दूसरी तरफ कर दिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मतलब हमें अंडे बार बार अपने हाथ से ना घुमाने पड़े, ठीक है, 18 दिन तक अंडे घुमाने पड़ते हैं, हम चाहते हैं कि हम 18 दिन तक हमें अंडे बिल्कुल ही ना घुमाने पड़े, मेरे पास इतना समय नहीं है, इसके लिए हम बनाते हैं टर्नर ट्रे। टर्नर ट्रे कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, पिछली वीक बनाया था, तो उसका वीडियो आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हो। और यहाँ पर इसी के लिए यहाँ पर आते हैं डेमो मोटर, ठीक है, डेमो मोटर आती हैं जो कि बहुत स्लो चलती हैं, ठीक है, ये बहुत स्लो चलती हैं। ये टर्नर ट्रे हम जब बनाते हैं तो इस डेमो मोटर का यूज़ करते हैं, ये बहुत स्लो चलती हैं ताकि अंडे हैं जो बहुत आसानी से धीमे धीमे घूमते रहें और फिर अंडों का जो विकास है वो सही से होता रहे, चूजे का जो विकास है वो सही से होता रहे। इसके बाद में यहाँ पर हम एक टाइमर को सेट करते हैं, अगर हम यहाँ पर ट्रे बना करके इसको हम लाइट में लगा देंगे तो ये बराबर घूमता रहेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि अंडा ऐसा नहीं कि बराबर घूमता रहेगा तो ख़राब तब भी हो जाएगा और या फिर अंडा फूटने का डर हो जाता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर टाइमर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर टाइमर क्लॉक है। तो टाइमर का जो काम होता है वो क्या होता है कि जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा अंडा सिर्फ 1 मिनट के लिए दोपहर को 12 बजे, फिर 4 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद, यानी कि हर 4-4 घंटे में अंडा हमारा जो है वो टर्न होता रहे। आप 5-5 घंटे में कर सकते हो, 3-3 घंटे में कर सकते हो, 6 घंटे में भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो, जितनी जितनी बार आप अंडा टर्न कराना चाहो 24 घंटे में आप इसमें सेटिंग लगा सकते हो। इसमें 16 सेटिंग्स होती हैं, 16 बार आप अंडे को मतलब टर्न करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हमने सेट कर देते हैं कि दोपहर के 12 बजे सिर्फ 1 मिनट के लिए अंडा टर्न हो, क्योंकि 1 मिनट से कम ये नहीं लगता। तो हम इसमें अंडा टर्न कराने के लिए 12 बजे ठीक 12 बजे हम इसको ऑन पर लगा देते हैं और 12:01 पर हम ऑफ पर लगा देते हैं। तो 12 बजे यह ऑन होगा और 12:01 पर ये टर्नर ट्रे को ऑफ कर देगा। फिर 4 घंटे के बाद में जो टाइमिंग लगा है वो फिर 4 घंटे के बाद में इसमें वो ऑन करेगा और फिर 1 मिनट चलाने के बाद में ऑफ कर देगा। तो ये टाइमर का यूज़ होता है, ठीक है। टाइमर के यूज़ के थ्रू हम अंडे को एक टर्नर ट्रे बना करके हम अंडे को टर्न कराते हैं और ये सभी मशीनों में लगा होता है जब हम फुल्ली ऑटोमेटिक बनाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पार्ट थे, ठीक है। ये सारे पार्ट अगर आप एक साथ परचेस करते हो कहीं से भी तो लगभग 5,000-6,000 के आसपास पड़ेंगे। तो 5-6 हज़ार में आप यहाँ पर 100 अंडों की, 200 अंडों की, 300 अंडों की, 400 अंडों की या 500 अंडों की एक फुल्ली ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर आप आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।